रिकॉर्ड पर डाल। तो इन यूनिट 4 वी आर डूइंग केकेटी कंडीशंस, केकेटी कंडीशंस, क्रश कन टकर कंडीशन, 3 कंडीशंस है, 3 सॉरी नेम्स है। तो इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस थी। नेसेसरी कंडीशंस तो थी कि इफ योर फंक्शन इज गिविंग टू यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ एफएक्स, जस्ट आई एम रिकॉलिंग, इफ यू हैव मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम विथ इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स एचएक्स लेस देन इक्वल टू 0, सो एफजे माइनस लैम्डा एचजे इज इक्वल टू 0। वेयर आई दिया था आपने 1 टू n, अगर मैक्स है तो लेस होगा, मिनिमाइज है तो ग्रेटर होगा, ठीक है। मैक्स में लेस होता है कैनोनिकल फॉर्म में, और अगर मिनिमाइजेशन लिखूंगा मैं तो आपका ये ग्रेटर देन होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इनकी। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब, वो स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस में तो आपकी इक्वालिटी होती है। स्टैंडर्ड का मतलब कि ये अगर कैनोनिकल फॉर्म में मैक्स लूंगा तो लेस, मिनिमम लूंगा तो ग्रेटर। तो यहाँ पे आई एम टेकिंग दिस j इज 1, ये अगर j है तो यहाँ j ले ली 1 टू n, सो योर लैम्डा h, 4 कंडीशन बेसिकली आर देयर, h लेस देन इक्वल टू 0, यही h है आपका hx, एंड लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दीज आर द कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन में फर्स्ट ये h की जगह h, फर्स्ट 2 कंडीशन सेम है, थर्ड कंडीशन सिर्फ h ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाती है, फोर्थ कंडीशन भी सेम रहती है, ठीक है। This is minimization. So these are necessary conditions. ये necessary conditions हैं आपकी, and it's a, it will give you your stationary point. It gives stationary points. It will become sufficient when, क्या होना चाहिए? अगर maximization problem है तो function क्या होना चाहिए? अब अगर maximization है तो इस type का होता है ना, you know, इस type का। तो ये किस कैसे figure है ये? कॉनकेव है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो इफ एफ एक्स इज कॉनकेव एंड एफ एक्स कॉनकेव है तो एच एक्स को इसका अपोजिट लेना है, एफ एक्स इज कॉनकेव एंड एच एक्स इज कॉनवेक्स, ऐसे याद कर सकते हैं, देन द कंडीशंस आर सफिशियंट, आर सफिशियंट। Sufficient means इससे I can find the maximum minimum point also. यहाँ पे तो stationary point मिलेंगे, उससे कौन सा point आपका देगा वो sufficient condition दे देगा। और minimization में you know graph is like this. तो minimization में क्या होगा? If function is convex, if f(x) is convex in minimization problem, and h(x) is concave. इसका reverse कर देंगे बस। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, देन दीज कंडीशंस आर सफिशिएंट। तो लास्ट टाइम मैंने एक प्रॉब्लम ये थी आपकी बुक की प्रॉब्लम थी, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम था 272, ये हमने सॉल्व कर लिया था पूरा 835 पेज पे। इसे मैं ये बता रहा था कि हाउ टू चेक इट इज कॉन्वेक्स, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो आई विल चेक वेदर फंक्शन इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। यहाँ पे अगर कॉनकेव है तो ये कंडीशन नेसेसरी सफिशिएंट बन जाएगी, माइनस 0.1 एक्स वन स्क्वायर प्लस 1.6 एक्स टू माइनस 0.2 एक्स टू स्क्वायर और इन टू वन कॉन्स्टेंट वार गिवन, ये एफ एक्स था, जेड लिख लें एफ एक्स, एंड एच एक्स वाज 2x1 प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 10, तो मैंने लिख दिया था माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैक्सिमाइजेशन है तो वेदर इट्स कॉनकेव और नॉट, तो हाउ आई कैन चेक इट, या तो इसका ग्राफ प्लॉट करें आप
ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, यू हैव सेवरल टूल्स जिसमें आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ना, वॉल फ्रेम मैथ है उसमें भी प्लॉट कर सकते हैं, वॉल फ्रेम में जाके इसको टाइप कर देंगे इसका ग्राफ आ जाएगा। अदरवाइज आई कैन चेक इट बाय, क्योंकि टू वेरिएबल में तो आई कैन चेक बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसका अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर सकता हूँ मैं इसे, व्हाट इज द वेयर इट्स कॉन्वेक्स और कॉनकेव। हाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, यू विल हैव टू फाइंड f11 f22 माइनस f12 स्क्वायर है ना, ये निकाल देंगे। f11 मींस x1 सो इट विल बी कमिंग हाउ मच f11 विद रेस्पेक्ट टू x1 करा तो 3.6, ये तो जीरो हो गया, ये आपका जाएगा माइनस 0.8। f22 मींस विद रेस्पेक्ट टू x2 ट्वाइस तो ये आ जाएगा माइनस 0.4 एंड माइनस f12 माइनस 0, ये जीरो है आपका ना, क्योंकि जब विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे x एंड देन y तो ये सब जीरो हो रहा होगा आपका, सो इट इज प्लस 0.32 ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, इट इज द फर्स्ट कंडीशन। इफ इट इज लेस देन 0 देन पॉइंट इज सैडल पॉइंट, कॉन्वेक्स नहीं सैडल पॉइंट। अभी नहीं, अभी तो ये हमने टेस्ट के लिए पहले ये निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव को, ये अगर ग्रेटर देन 0 है देन वी विल सी व्हाट इज द साइन ऑफ f11। ओके f11 का साइन देखेंगे तो व्हाट इज द साइन ऑफ f11, f11 कितना आ रहा था आपके पास, माइनस 0.8, सो इट इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज दैट अगर लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, फंक्शन इज क्या होगा, पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा है ना, सो दिस इंप्लाइज दैट 3.1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा वी लेस देन 0 है। या वही वजह से d2y/dx2 निकालते हैं, अगर लेस देन 0 है लोकल मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमा है ना। लेकिन ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड दिस क्वांटिटी, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर ये लेस देन 0 आता तो इसे हम सैडल पॉइंट लिख देते हैं है ना, दिस इज सैडल पॉइंट, बट इट विल ग्रेटर देन 0 देन वी विल सी द साइन ऑफ f11, अगर पॉजिटिव होगा तो लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ कि दैट मींस योर ग्राफ विल बी व्हाट नाउ, अगर लोकल मैक्सिमा है लाइक दिस, इस तरीके से जा रहा होगा है ना, तभी तो मैक्सिमा पॉइंट आएगा 3.1, 3.3, सो दैट मींस योर फंक्शन इज कॉनकेव टाइप का ग्राफ बनेगा, कॉनकेव फंक्शन इज अ कॉनकेव फंक्शन, और कॉनकेव फंक्शन है तो यही कंडीशन इसकी सफिशिएंट कंडीशन रहेंगी, एंड हेंस द कंडीशंस आर, कंडीशंस मतलब केटी कंडीशंस आर सफिशिएंट। फॉर fx1 x2 विच इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, सो इट मींस दिस पॉइंट विल बी, क्योंकि एक ही पॉइंट मिला है आपके पास तो यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा, हेंस दिस 3.5, 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन NLPP, सो मैक्स ऑफ f(x1, x2) इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ 3.5, 3 ठीक है, इसे यहाँ पुट कर देंगे आप तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 10.7, यू कैन चेक इट, सो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। सो बाय द केकेटी कंडीशन वी कैन फाइंड योर स्टेशनरी पॉइंट एंड इफ इट इज सफिशिएंट यू कैन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू आल्सो, सो इट इज आल्सो वन ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लेकिन ध्यान रखना ये सफिशिएंट कंडीशन जब भी है जब आपके पास ये चीज है ना, कि अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो फंक्शन कॉनकेव है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर दिस विल बी नॉट सफिशिएंट कंडीशन, देन वी हैव टू सी सम अदर वे टू फाइंड अ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, स्टेशनरी पॉइंट तो मिल जाएंगे हमें लेकिन वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द
सफिशियंसी इफ दिस कंडीशन फेल्स। अगर इस पर आपके जो प्रॉब्लम्स ली हैं वो वही नहीं है जो इसको होल्ड कर रही हूँ, क्योंकि दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक कि वहाँ क्या चेक करने का तरीका है। तो ये आपके पास इट वॉज फॉर वन, इसे आप जनरलाइज कर देंगे तो यहाँ पे जनरलाइज में क्या हो जाएगा, यू मे हैव सपोज एम कॉन्स्टेंट्स या एन कॉन्स्टेंट्स, तो ये जनरलाइज हो जाएंगी कंडीशंस। यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने सिंपल एक प्रॉब्लम दी थी टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, जिसमें सिर्फ एक एच एक्स था और सिंपल फंक्शन आपका टू वेरिएबल रहता है। इफ यू वॉन्ट टू जनरलाइज यू कैन जनरलाइज इट। एटी conditions for generalized normal, sorry, generalized non-linear programming problem, in short GNLPP लिख सकता हूँ मैं सर, GNLPP with m constraints less than n मानना है number of unknown से। तो here if you are having suppose m constraints, am I audible? Yes sir. Yes sir. WhatsApp पे किसके मैसेज आ रहा है पीछे के साउंड पता नहीं, चलो देखिएगा। HIX less than equal ये है। So here now I am here taking I is what? I is running from 1 to m. Suppose x to I am always taking belongs to Rn. X to aapka Rn ka hi. So x ka matlab hai x is an n tuples in fact. X to xn. So here if I will write the condition, so this condition will become now fj minus summation I is equal to 1 to m. Lambda I H I J is equal to zero, you know? If you have, you are having now M constraints, so what will happen? You will have to take M Lagrange multipliers, you know? So what will happen? It will be subtracting. So if 2 is, so minus lambda 1 H1 minus lambda 2 H2, this will happen. और डिफरेंशिएट करेंगे उसे, तो ये मैंने जनरल लिख दिया है कंबाइन करके। यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स टू एक्स एन ईच एंड एवरी एच आई, हियर जे इज वन टू एन एंड आई इज वन टू एम, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या होगा कि दिस सेम ऐसे लिख रहे हैं, बस इसे जनरलाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक एच एक्स था तो लैम्डा एच लिया था, लेकिन अगर एच एक्स बढ़ गए तो एच आई लगा दिया। सेकंड लैम्डा एच इज इक्वल टू जीरो था क्योंकि एक ही था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू विल बी हैविंग ऑल द लैम्डा लैम्डास एच जीरो, तो आई कैन राइट इन जनरल लैम्डा आई एच आई इज इक्वल टू जीरो, है ना। अगर टू कॉन्स्टेंट्स हैं तो लैम्डा वन एच वन इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा टू एच टू इज इक्वल टू जीरो इन द सेम वे। थर्ड कंडीशन वाज ये जो आपका कॉन्स्टेंट होता है एच लेस देन इक्वल टू जीरो, so h i x less than equal to zero। और फोर्थ कंडीशन क्या थी, all lambda should be non negative, तो lambdas कितने होंगे, जितने आपके पास constant है i, तो lambda i should be greater than equal to zero। so these four conditions are there, conditions four हैं। अब इससे number of equations increase जाएंगी आपके पास। यहाँ पर क्या था, number of equations कितनी थी, four ही थी, क्योंकि वेरिएबल्स आपके जो हैं टू थे और एक कॉन्स्टेंट था, लेकिन यहाँ पर इट विल इंक्रीज नंबर ऑफ इक्वेशंस। क्लियर है ये, इसको बस हमने क्या कर दिया है, जनरलाइज नॉन लीनियर के लिए लिख दिया है। क्यों भाई, सो दीस आर द नेसेसरी कंडीशंस। यहाँ पर एच आई क्या है, यहाँ सेम वेयर दिस H I, क्यों भाई वीवल लगा हो? Yes sir, समझ में आ रहा है? Yes sir, चलिए कैमरा ऑफ कर लीजिए अपना आप।
ठीक है, डेल एच आई ओवर डेल एक्स जे, ओके। एच आई क्या है यहाँ पर, डेल एच आई ओवर डेल एक्स जे, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। एच आई जे, तो जितने कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको विद रेस्पेक्ट टू x1, x2, xn डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशंस अगेन, बस मिनिमाइजेशन में क्या हो जाएगा, सिर्फ ये चीज चेंज हो जाएगी। तो मैं मैक्स की लिख दे रहा हूँ, सिमिलरली आप मिनिमाइज की लिख सकते हैं ना, इट विल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और सेम चीज है कि दिस कंडीशन विल बिकम सफिशियंट इफ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉनकेव एंड कॉन्स्टेंट्स आर कॉन्वेक्स फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, कीप इट माइंड। These are necessary conditions. And will become sufficient if fx is concave and एच आई एक्स, एच आई जो है इन सबका रीजन निकालने हैं कॉमन, इट इज कॉन्वेक्स। एक प्रॉब्लम तो इस पे ले लेते हैं, इस पे आपके सपोज करिए कॉन्स्टेंट्स ज्यादा है, सपोज आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम 2722 पेज नंबर 837, एक प्रॉब्लम ये लेते हैं, यूजिंग द केटी कंडीशन सॉल्व, यूजिंग द केटी कंडीशंस सॉल्व मैक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 6x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितने भाई यहाँ पे नोड्स है, कितने कॉन्स्टेंट्स है क्यों भाई? 3 जो मैं आपको प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूँ एनएलपीपी, यू कैन यूज इट इन डिफरेंट सब्जेक्ट वेयर यू वॉन्ट टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमा ऑफ सम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। और सब्जेक्ट्स में भी आप पढ़ रहे हैं या कहीं भी आप देख रहे हो सकता है, तो वहां पर भी आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जहां पर ये फंक्शन हो कुछ ऑब्जेक्टिव और आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो उसकी अंडर सम डोमेन, है ना, तो वहां पर आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। इसका यूज एप्लीकेशन आप खुद से सोचा करें कहाँ अप्लाई हो रही है, कहीं प्रॉब्लम पड़ी होगी आपने इसमें रियल में हो सकता है या कहीं, तो वहां पर कोई नॉन लीनियर फंक्शन दे रखा हो आपको, उसकी हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है या लोअर वैल्यू निकालनी है, तो यू कैन अप्लाई दिस। अब वो डिपेंड करेगा कि कॉन्स्टेंट के साथ प्रॉब्लम आ रही है आपकी, वहाँ पे इक्वालिटी कॉन्स्टेंट आ रहा है या अनकॉन्स्टेंट प्रॉब्लम है ना, तो इनका अप्लाई कर सकते हैं आप। यू जस्ट ट्राई टू रिलेट योर ऑप्टिमाइजेशन इन सम अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। चलिए, तो हेयर यू हैव x1 x2 x3, थ्री वेरिएबल्स में है, सब मैं एफ में लिख रहा हूँ बिकॉज आई विल अप्लाई द कंडीशंस। यहाँ पर लीनियर में 2 है, x3 नहीं है, अच्छी बात। कॉन्स्टेंट्स को आई विल सॉल्व इट बाय टेकिंग h1x x1 प्लस x2 माइनस 2 एंड h2x इज 2x1 प्लस 3x2 माइनस 12, ओके। अब यू टेल मी व्हाट आर द कंडीशंस, बताइए भाई।
conditions का x1 डेल ऑफ x2 हाँ तो द kt conditions तो फर्स्ट इज डेल एफ अब थ्री है तो कंडीशंस क्या अगर मैं इसे ओपन करके लिख दूं अभी अगर इसमें लिखें जे की फॉर्म में आपके पास क्या था एफ जे तो डेल एफ ओवर डेल जे तो डेल एक्स जे में ऐसे अगर हम ओपन लिख कर ले रहे हैं डायरेक्ट या अभी एक्स जे में लिख देता हूं चलो चलिए ओपन ही कर लेते हैं ये बाद में फिर ओपन करना तो पहले क्या हो जाएगी माइनस लैम्डा वन डेल एच वन ओवर डेल एक्स वन माइनस लैम्डा टू डेल एच टू ओवर डेल एक्स वन इज इक्वल टू जीरो है ना ये आई आपकी फर्स्ट कंडीशन अभी हम पहले फर्स्ट कंडीशन मतलब अभी आई एम टेकिंग दिस इज योर फर्स्ट है तो इसमें जे आपका वन टू थ्री है वन टू थ्री है ना तो आई विल अप्लाई थ्री टाइम्स ये वन टू थ्री बेसिकली तो ये फोर कंडीशंस होती हैं लेकिन वन कंडीशन में यू हैव नाउ थ्री इक्वेशंस सो थ्री योर फर्स्ट इक्वेशन सिमिलरली डेल एफ ओवर डेल एक्स टू माइनस लैम्डा वन डेल एच वन ओवर डेल एक्स टू माइनस लैम्डा टू डेल एच टू ओवर डेल एक्स टू इज इक्वल टू जीरो है ना एंड थर्ड अच्छा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दिया यहाँ पर थर्ड थ्री यहाँ पर दिया नहीं है इसका मतलब जो आपके पास एक्स थ्री वेरिएबल है वो ऑब्जेक्टिव में था यहाँ पर भी हो सकता था नहीं दिया है तो कोई बात नहीं कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी डेल एफ ओवर डेल एक्स थ्री माइनस लैम्डा वन डेल एच वन ओवर डेल एक्स थ्री माइनस लैम्डा टू डेल एच टू ओवर डेल एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो इट इज योर फर्स्ट कंडीशन इससे थ्री इक्वेशंस मिलेगी आपको क्या होगी थ्री इक्वेशन देखिए यहीं लिख दे रहा हूँ मैं क्योंकि इन्हीं को सॉल्व करके हमें पॉइंट्स निकालने तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी ट्वेल्व एफ ओवर डेल एक्स वन इज हाउ मच माइनस टू एक्स वन इसे मैं नंबर फर्स्ट लिख दे रहा हूँ फर्स्ट की फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है तो माइनस टू एक्स वन एंड प्लस फोर ओके माइनस लैम्डा हाँ तो माइनस को मैं अगर राइट हैंड साइड ले जाऊं तो इधर ले आता हूं इसे तो ये सॉल्व होके थोड़ा सा सिंपल आ जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा वन तो लैम्डा एक्स वन वन हो गया तो इज इक्वल टू लैम्डा वन प्लस टू लैम्डा टू है ना इसे राइट हैंड साइड लिख दिया सिमिलरली माइनस टू एक्स टू इसी की ये फर्स्ट ही में अभी हमारे पास ये निकल रहा है चलो तो माइनस टू एक्स टू टू एक्स टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू लैम्डा प्लस थ्री लैम्डा टू ठीक है और थर्ड इक्वेशन इजी है माइनस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो टू एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो टू एक्स थ्री यस तो इससे एक्स थ्री तो जीरो आपके पास निकल कर आ गया एक वेरिएबल की वैल्यू तो आ गई है जीरो रहेगी हमेशा ठीक है ये इक्वेशन बनी इस सेट को मैंने फर्स्ट अभी लिख दिया है फर्स्ट का फर्स्ट क्योंकि यहाँ पे इसे हमें सॉल्व करना है तो ये फर्स्ट ये सेकेंड एंड ये थर्ड फर्स्ट में थ्री इक्वेशन है सेकंड कंडीशन आई विल टेक नाउ सेकंड वाज लैम्डा एच आई इज इक्वल टू जीरो सो लैम्डा तो टू ही है तो लैम्डा वन एच वन लैम्डा टू एच टू प्रोडक्ट में जीरो लिखना होता है सो लैम्डा वन ये अगर फर्स्ट ले लू मैं सेकंड का लैम्डा वन एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड सेकंड लैम्डा टू टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो है ना ये एच टू था लैम्डा टू एच टू थर्ड कंडीशन इज योर एच एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो तो बोथ कॉन्स्टेंट्स यू कैन टेक हेयर सो थर्ड में यू हैव फर्स्ट एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो एंड थर्ड का सेकेंड है टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू माइनस ट्वेल्व लेस देन है ना ये इसका सिर्फ ये पार्ट लेस देन जीरो होना चाहिए एंड लास्ट इज योर मल्टीप्लायर्स शुड बी नॉन नेगेटिव लैम्डा वन शुड बी नॉन नेगेटिव लैम्डा टू शुड बी नॉन नेगेटिव ये तो कंडीशन आपके पास फोर हो गई इसे हमें सॉल्व करना है अब देखो यहाँ पे क्या होगा हाउ आई विल सॉल्व तो आई टोल्ड यू कि व्हेन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग यू कैन टेक फर्स्टली यू विल स्टार्ट फर्स्टली फ्रॉम दिस
है ना, यहाँ पर केस यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि प्रोडक्ट वाले टर्म से, कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज जीरो. तो हेयर इफ आई एम टेकिंग नाउ आई एम टेकिंग डिफरेंट केसेस. सो केस वन में क्या है, सपोज आई एम टेकिंग लैम्डा वन इज जीरो एंड लैम्डा टू जीरो. दोनों केस, पहला केस हमने ले लिया कि दोनों लैम्डा वन लैम्डा टू जीरो है, लैम्डा वन इज जीरो लैम्डा टू इज जीरो. इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम हमेशा, तो यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज. सारे केस आ जाएंगे, मतलब हम लैम्डास में सारे केस ले लेंगे. पहला केस ले लिया बोथ आर जीरो, एक पे ले लेंगे एक जीरो दूसरा नॉट जीरो, देन वी विल टेक फर्स्ट नॉट जीरो थर्ड जीरो और फोर्थ ले लेंगे नॉट जीरो, बोथ आर नॉट जीरो. तो उसमें सारे केस कंसिडर हो जाएंगे. तो फर्स्ट केस है कि जब लैम्डा वन लैम्डा टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया इससे, अगर लैम्डा वन लैम्डा टू जीरो है तो इस कंडीशन को हम यहाँ लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि पॉइंट अगर लैम्डा वन लैम्डा टू जीरो है तो फर्स्ट से एक्स वन एक्स टू वैल्यू निकल जाएगी इजिली, देखिए, है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो. सो योर फर्स्ट कंडीशन की फर्स्ट सेकंड और थर्ड से एक्स थ्री निकल के आ ही गया था. तो फर्स्ट एंड सेकंड दिस गिव, तो जब आपने रखा लैम्डा वन लैम्डा टू जीरो, तो एक्स वन इज हाउ मच टू, एक्स वन इज टू एंड सेकंड में रखा हमने, तो एक्स टू इज हाउ मच माइनस सिक्स हुआ, सिक्स थ्री, एक्स टू इज थ्री, है ना, और एक्स थ्री तो ऑलरेडी आपका जीरो आया है हमेशा. ये थ्री पॉइंट्स आए. अब इसे देखना है कि क्या ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ठीक है. यहाँ पर क्या था, माइनस टू लेते हैं. हाँ, अब जरा देखो यहाँ रखते हैं, थर्ड के फर्स्ट में रखिए जरा इसको, टू प्लस थ्री फाइव, माइनस टू हाउ मच थ्री, डिस्कार्ड हो गई देखिए, है ना. सो बट थर्ड फर्स्ट दिस गिव्स फाइव, टू प्लस थ्री माइनस टू कितना आ रहा है, थ्री, विच इज नॉट लेस देन जीरो. एक भी कंडीशन वायलेट हो गई तो हम उस पॉइंट को, उस कंडीशन को डिस्कार्ड कर देंगे. सो डिस्कार्डेड, ठीक है, यानी ये केस नहीं ले सकता मैं. क्लियर है भाई स्टूडेंट्स? यस सर. चलिए केस टू ले लेते हैं. केस टू में सपोज आई एम टेकिंग लैम्डा वन जीरो एंड लैम्डा टू नॉट जीरो. जब नॉट जीरो वाला केस लोगे तो हमेशा उसके साथ का जो टर्म है वो जीरो ले लेंगे. दिस इंप्लाइज दैट इससे एक क्वेश्चन मिल जाएगी, टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इज इक्वल टू ट्वेल्व. ओके, ये एक क्वेश्चन मिल जाएगी हमें. एंड एक क्वेश्चन तो ये हो गई, अब लैम्डा वन जीरो लिया है हमने, तो जब लैम्डा वन जीरो लिखा तो इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बन जाएगी. लैम्डा वन जीरो है, इट इज टू लैम्डा टू, इट इज थ्री लैम्डा टू, है ना. तो लैम्डा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपॉन टू अपॉन थ्री, यानी इक्वेट करा दे, यू विल गेट वन इक्वेशन, है ना. सो वन इक्वेशन इज दिस, सपोज दिस इज इक्वेशन ए एंड फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड, वहां पे हम लैम्डा वन जीरो पुट करेंगे तो इससे मिलेगी आपके पास दिस गिव क्या आ रहा है, माइनस टू एक्स वन प्लस फोर इज इक्वल टू टू लैम्डा टू एंड माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू थ्री लैम्डा टू. ये एक क्वेश्चन मिलेगी, है ना. तो इसको हम सॉल्व कर ले तो यू विल बी गेटिंग वन इक्वेशन, आफ्टर सॉल्विंग इट विल गिव यू वन इक्वेशन. तो इस इक्वेशन को और ए को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको अगर मैं सॉल्व करके इक्वेशन बी लिख दूं, क्या लिख दे बताइए, इसके वैल्यू लिख के दिखाऊं या कट हो जाएगा, x1 माइनस 2x2, हां 2 से डिवाइड करा हमने प्लस 2, तो आएगा माइनस x1 प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां 3 से डिवाइड किया, माइनस 2 बाय 3 x2 प्लस 2, है ना, ये तो आएगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, ये यू गॉट, और थ्री इधर ले आए तो माइनस थ्री एक्स वन प्लस
टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। अब इसे ए और बी को हम जब सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग सॉल्विंग ए एंड बी वी गेट एक्स वन इज इक्वल टू इट इज कमिंग 24/13 एंड एक्स टू इज कमिंग 36/30। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप इसे यहाँ पे। और इसको जब रख के हमने लैम्डा निकाला, अच्छा एक्स थ्री तो जीरो था ही, तो जब ये वैल्यूज आ गए निकल के इसे यहाँ रख दीजिए उठाए किसी भी इक्वेशन में, तो लैम्डा टू निकल आएगा। लैम्डा टू इज कमिंग क्योंकि लैम्डा वन ऑलरेडी जीरो है। लैम्डा टू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, ये भी यहाँ पर पॉजिटिव ही आ रहा है विच इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी कंडीशन होल्ड हो रही है। ठीक, एक्स थ्री ऑलरेडी आपके पास जीरो था ही, हमारे पास एक्स थ्री तो ऑलरेडी जीरो है। बट अब इन वैल्यूज को अगर हम थर्ड इक्वेशन के फर्स्ट में रखें, देखिए थर्ड का फर्स्ट फिर चेक करें, तो थर्ड के फर्स्ट में क्या हो रहा है 24/13 थर्ड का फर्स्ट। नेक्स्ट उस पर लिखता हूँ। नाउ थर्ड फर्स्ट इक्वेशन दिस इज वॉज एक्स वन प्लस एक्स टू, तो 24/13 प्लस 36/13 माइनस टू माइनस टू, सो इट इज हाउ मच बताओ, 60 ग्रेटर देन बाय 13 माइनस टू, तो जाहिर है ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। सो अगेन है ना, दैट मीन्स नॉट लेस देन जीरो, सो अगेन डिस्कार्डेड, इसको भी डिस्कार्ड करना पड़ेगा। क्लियर है ना, हालांकि बाकी सब पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे थे, लैंडा ही पॉजिटिव था, लेकिन अगेन एक कंडीशन डिस्कार्ड हो गई। सो आई विल टेक नेक्स्ट केस थर्ड, केस थ्री, जिस केस में भी आंसर आ गया वही हम स्टॉप कर देंगे। केस थर्ड आई एम टेकिंग, ये प्रॉब्लम मैंने ऐसे ली है कि इसमें सारे केस आने के बाद लास्ट केस ही आएगा आपका, लैम्डा वन नॉट जीरो, लैम्डा टू नॉट जीरो। ठीक भाई, क्लास एंड होगी तो आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, आपका आज क्विज भी है, कल ट्यूसडे है, कल हॉलीडे है, वेडनेसडे में कंटिन्यू करेंगे इसे। ओके सर, हाँ अभी जब तक चल रही है क्लास कंटिन्यू रखते हैं। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट केस व्हेन बोथ आर नॉट जीरो, तो अगर बोथ आर नॉट जीरो है तो इट मींस व्हाट, योर दिस इज जीरो एंड है ना, यस, सो दिस इंप्लाइज दैट 2x1 प्लस